at math and physics. Today in this lecture I will teach you the numerical solutions of lesson number 6 and your first question is question number 40. आज आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40. आपसे पीछे के क्वेश्चन हो गए होंगे, इजी थे जो छूटे हुए हैं. इसमें एक सर्किट बना हुआ है, आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ये यहाँ पे आर रेजिस्टेंस लगा है. इस रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वोल्टमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है. ए एमीटर और वोल्टमीटर यहाँ पर जुड़े हुए हैं. संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है. यहां से आई जा रहा है कितना, 2 एम्पियर. 2 एम्पियर है और यहाँ रेजिस्टेंस आर लिखा हुआ है, 2 एम्पियर है. वोल्टमीटर का पाठ्यांक 120 वोल्ट है. ये 120 वोल्ट यहाँ पर पढ़ रहा है, 120 वोल्ट का पाठ्यांक है तथा आर का मान 75 ओम है. आर का मान 75 ओम है. वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए. इसका प्रतिरोध क्या होगा, आर वी आपको निकालना है. देखिए सब कुछ यहाँ पर आपको ज्ञात है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है. आपको यहाँ का जो है वोल्टेज पता है ना वोल्टमीटर का. अगर यहाँ का करंट हमको पता चल जाए आई कितना होगा, ठीक, तो हम फार्मूला लगा देंगे वी बराबर आई आर ये निकाल सकेंगे. समझ पा रहे हैं, तो हमको केवल यहाँ का आई करंट निकालना है. तो यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो मान लीजिए इधर आ रहा है आई वन, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 2 माइनस आई वन. समझ में, अब इसमें हम किरचॉफ लॉ लगा देंगे. किरचॉफ लॉ सेकंड लॉ लगाते हैं यहाँ से और हम क्या करेंगे आई वन का मान निकाल लेंगे. ठीक, तो देखिए यहाँ से अगर आप संधि पर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा. बंद पास इसको कोई नाम दीजिए, ए बी सी डी. बंद पास ए बी सी डी ए में, तो यहाँ पर 75 ओम में कितनी जा रही करंट, 2 माइनस आई वन, और ये अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाजाएगा आई वन आर वन आर वी. यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, पता नहीं है, इसको हमने आर वी लिख दिया है और करंट हो जाएगा. और इसमें सेल कितने जुड़े हैं, एक ही नहीं जुड़ा है, तो यहाँ से हो जाएगा 75, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा कितना, माइनस 75 आई वन, और ये हो जाएगा इक्वल टू आई वन आर वी. यहाँ से अगर हमको आई वन ज्ञात हो पाएगा तभी ये निकल पाएगा. तो आई वन ज्ञात करने के लिए अगर हम इधर का करंट निकाल पाए, ठीक है, इधर का करंट अगर हमारा निकल आता है तो जो शेष बचेगा वो इधर जा रहा होगा. ठीक, तो यहाँ पर हम इसका करंट निकालने के लिए इसका रेजिस्टेंस पता है, अगर हम इसके सिरों पर वोल्टमीटर पता कर पाए कितना होगा तो वहां का करंट निकल आएगा ना. तो देखिए ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो अगर यहाँ पर कितना है 120 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 120 वोल्ट होगा. तो हम कहेंगे क्योंकि आर के सिरों पर विभव या विभवांतर बराबर हो जाएगा 120 वोल्ट. अतः आर से होकर प्रवाहित वैद्युत धारा आई, जो भी इसको लिख लें आई डैश लिख लें, ये हो जाएगी वी अपान आर. वी है 120 और आर वहां पर कितना है, 75 है. ठीक, ये हो जाएगा ना 15 × 75 हो जाएगा, और 15 से भाग नहीं हुआ पूरा ना, 15 × 8 8/5 इतने एम्पियर हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ का हमको पता हो गया आई कितना है, 8/5 है, तो ये आई वन निकल आएगा ना. ये किरचॉफ लॉ आप ना लगाइए, इसकी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, इसको ना लगा फिर भी हो जाएगा. हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू करें, आर के सिरों पर विभवांतर इतना है तो आर में प्रवाहित इतनी धारा हो जाएगी, आई डैश बराबर हो जाएगी. हम यहाँ पर इसको भी चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर केवल हम इसकी आई डैश निकाल ले रहे हैं. आई डैश जब निकाल आया है तो 2 में से आई डैश घटा देंगे तो यहाँ की हमको करंट पता चल जाएगी वोल्टमीटर की. अतः वोल्टमीटर में वैद्युत धारा आई वन, और जो भी नाम इसको देना चाह रहे हैं आई वन इधर अगर कह दीजिए आई वन, तो ये हो जाएगी 2 माइनस आई डैश
यहां से 2 एम्पियर आ रही थी, तो इधर जितना करंट चला गया उसको निकाल दीजिए तो शेष करंट यहां का बच जाएगा। 2 माइनस आई डैश हो जाएगा 8 बटे 5, ये कितना होता है 10 माइनस 8 2 बटे 5 इतने एम्पियर। तो यहां का आपको करंट I1 पता चल गया है। अब यहां पर लगा दीजिए वोल्ट मीटर के लिए V बराबर IR आता, वोल्ट मीटर के लिए, वोल्ट मीटर के लिए V बराबर I, I क्या होगा I1 हो जाएगा और R क्या हो जाएगा RV हो जाएगा। ये RV निकालना है, V है वोल्ट मीटर के लिए 120 और I1 आपने निकाला है 2 बटे 5 और आपको RV निकालना था। ये इससे डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 60 बचेगा और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो RV हो जाएगा 300 ओम। फिर से समझा दे, देखिए यहाँ किरचॉफ का लॉ लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको ये वोल्टेज पता है तो समांतर क्रम में वोल्टेज इक्वल होता है, इसका मतलब यहाँ का हमको वोल्टेज पता हो गया। जब यहाँ का R पता है, यहाँ का V पता है तो यहाँ की I निकल आएगी ना, तो हमने ये V पता था और ये जो है I निकाल लिया वी अपान R करके, तो यहाँ का करंट पता चल गया 8/5 एम्पियर जा रहा है, टोटल आ रहा था 2 एम्पियर, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो इधर का करंट कितना हो जाएगा 2 में से घटा दीजिए उधर वाला करंट, ठीक। तो इतना करंट, जब इसमें का करंट आई ज्ञात हो गया, वी ज्ञात हो गया तो आर तो निकल ही आएगा ओम के लॉ के अकॉर्डिंग, हाँ आर बराबर या वी बराबर आई आर लगा दीजिए या आर वी बराबर वी अपान आई लगा सकते थे। समझ पाए होंगे बहुत कठिन नहीं था, यहाँ पर नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, ये फिगर आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है कि वोल्ट मीटर का पाठांक 30 वोल्ट है। ये जो वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है पहली बार 100 ओम के पैरेलल जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर इस समय बता रहा है, ये बता रहा है 30 वोल्ट, ठीक है, और 400 ओम के सिरों पर जुड़ा हुआ है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है ये आपको ज्ञात करना है, अर्थात वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को हम किससे लिख देते हैं, आरवी, 60 में नीचे वी लिख देते हैं, ये निकालना है। तो देखो यहाँ का हमको वी तो पता है, अगर हमको यहाँ का करंट पता हो जाए आई, तो वी बराबर आई आर लगा देंगे और आर हम निकाल लेंगे। अब यहाँ का करंट कैसे पता चलेगा, किसी भी सर्किट में करंट कहीं भी पता करना हो पहले टोटल करंट पता होना अति आवश्यक है। तो टोटल करंट पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वो निकलेगा नहीं क्योंकि ये आर भी नहीं याद है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब 30 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 30 वोल्ट ही होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है इक्वल होता है। इसको हम यहाँ पर ए बी दे दें, अगर तो लिखेंगे ए बी के बीच विभवांतर बराबर हो जाएगा 30 वोल्ट, ठीक है। टोटल 60 वोल्ट के वोल्टेज से आपने जोड़ा है, अगर यहाँ पर 30 वोल्ट लॉस हो रहा है चाहे यहाँ पर बताइए चाहे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 30 वोल्ट हो गया तो यहाँ पर बचा कितना होगा 30 वोल्ट ही बताओ बचाओ, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है वोल्टेज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 60 वोल्ट से जोड़ा था, यहाँ पर 30 वोल्ट आपका चला गया, तो 300 ओम जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर वोल्टेज बता होगा, विभवांतर बचा होगा 30 वोल्ट का, आता 300 ओम के सिरों पर विभवांतर, इसको वी डैश जो भी मान लो, वी कितना बचा होगा 60 माइनस 30 बराबर बचा होगा यहां पर 30 वोल्ट। अब यहां का विभवांतर आपको पता हो गया है 30 वोल्ट है और यहां का रेजिस्टेंस भी आपको पता है तो यहां करंट निकाल सकते हैं ना, अतः 300 ओम में प्रवाहित वैद्युत धारा, प्रवाहित वैद्युत धारा आई बराबर वी अपान आर, इसको वी डैश मैंने माना है और आर को आर की मैंने यहां पर मान रखा है, तो हो गया 30/10, ये कैंसिल होगा क्या बचेगा 1/10, इतने एम्पियर करंट यहां पर आ रहा है इस प्रतिरोध में, यहां भी इतने ही जा रहा है 1/10 एम्पियर, क्या बात है समझ पाए, ये यहां पर हम लिखे दे रहे हैं 1/10 एम्पियर अगर इसमें से होकर के जा रहा है, इससे सीधा सा निष्कर्ष निकलता है हमारे सेल से जो करंट निकला है वो यही निकला है 1/10 जो कि यहां से होकर के जा रहा है। अब यहां पर तो डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन यहां पर जब फिर से आएगा तो फिर से यहां पर कितना होगा 1/10 एम्पियर, बस अगर ये करंट यहां से नहीं निकाल पाएंगे तो इक्वेशन 3-4 बनेगी, फिर भी हल आसानी से नहीं हो पाएगा, तो बस ये ध्यान रखना यहां से हमको टोटल करंट निकाल लेना है। अब हमको अगर इधर का करंट पता हो जाए तो इधर हमने मान लिया आई डैश या आई वन, टोटल यहां तक कितना आया था 1/10
अगर इधर आई वन गया तो इधर कितना जा रहा होगा, इस रेजिस्टेंस को इधर हम खिसका करके लिख दे रहे हैं कितने ओम, और यहाँ पर हम करंट को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर करंट कितना बचा 1/10 - I1। समझ में? अब बस इस वाले बंद पास में ए बी सी डी में हमको क्या करना है, किरचॉफ का नियम लगा देना है। बंद पास ए बी सी डी में किरचॉफ के सेकेंड नियम से वहां पर देखिए जो आरबी रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट जा रहा है, आई वन, और जब यहां से आगे जो अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट मिलेगा तो माइनस का हो जाएगा, 400 ओम में करंट कितना जा रहा है, और उस बंद पास में सेल कितने जुड़े हैं, एक ही है। तो आरबी आपको तो निकालना है, ज्ञात नहीं है, आई वन माइनस यहां से 400 का गुणा करोगे यहां पर 40 बचेगा, 40 हो जाएगा, और यहां पर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो जाएगा 400 I1 इक्वल टू हो जाएगा 0 RV V = IR। अब यहां से समझिए, अगर हम यहां पर फार्मूला लगाएं V बराबर तो हम क्या करें, क्या कहेंगे, IR। तो देखिए वहां का ये I दिया है और वहां का ये R दिया हुआ है, तो आई आर को हम क्या लिख सकते हैं, V, अर्थात यहाँ पर हम 30 लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहाँ पर ये जो V बराबर आई आर, आई वन कहाँ का है, यहाँ का, और आर वी कहाँ का है, यही का रेजिस्टेंस भी है, तो जो आई आर लिखा है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि आई वन और आर वी बराबर होता है V अर्थात 30 वोल्ट, तो यहाँ पर रख देंगे 30 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 40 और प्लस का हो जाएगा कितने, आई वन इक्वल टू 0। कितना बच रहा है यहां से, माइनस का 10 बचेगा, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा 100 आई वन इक्वल टू प्लस का 10 उधर हो जाएगा, देखो माइनस का 10 बचा था, तो आई वन हो जाएगा 1/40 इतने एम्पियर। तो आई वन इतने एम्पियर निकल आया है, अब हम आर वी आसानी से निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू वी अपान आई, तो आर वी बराबर वी, वी कौन सा लेंगे, वही का जितना वोल्टेज दिया हुआ है 30, और आई कौन सा, यही तो निकल के आया है आई वन, ये 1/40 अर्थात 40 लाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200 ओम हो जाएगा। क्या समझ पाए हैं, हर जगह पर लॉजिक है, सबसे पहले यहां पर करंट यहां से निकलेगा क्योंकि आर वी नहीं पता है रेजिस्टेंस, नहीं तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल के टोटल करंट निकाल लेते, ठीक। उसके बाद जब यहाँ का आई निकल आया तो मैंने किरचॉफ लॉ से डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर यहाँ का आर ना पता होने के कारण आई आर वी की जगह हमको 30 लिखना पड़ेगा क्योंकि वी बराबर आई आर और वहां का वोल्टेज कितना था 30, तब आई वन निकलेगा, जब यहाँ का आई पता हो गया और वी पता हो गया तब हम आर निकाल सकेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, आपका 43 नंबर है, 400 ओम तथा 800 ओम के दो प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये 400 ओम का है और ये 800 ओम का है, दो प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है मैंने। परिपथ में धारा नापने के लिए 10 ओम प्रतिरोध का एक एमीटर प्रयुक्त किया गया है, परपथ में धारा नापने के लिए यहाँ पर एक एमीटर प्रयोग किया है, इसका भी प्रतिरोध आर ए छोटा सा हम लिख ले रहे हैं कितना है 10 ओम, एमीटर का भी रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है जबकि एमीटर का रेजिस्टेंस नहीं होता है, शून्य होता है। 10 ओम प्रतिरोध का एक एमीटर प्रयुक्त किया जाता है, एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, अर्थात ये कितने एम्पियर पढ़ेगा, सबसे पहला आपको निकालना है इसका आई निकालना है, कितने एम्पियर इस समय पढ़ेगा, पहला क्वेश्चन है। एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, इसी प्रकार यदि 400 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए 1000 ओम का वोल्टमीटर प्रयुक्त किया जाए तो वोल्टमीटर में पाठ्यांक क्या होगा, ठीक। तो अलग अलग कंडीशन से सबसे पहले निकालना आपको एमीटर का पाठ्यांक, पहला पार्ट ये देख लीजिए, एमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये आर वन हो गया, ये आर टू आपका हो गया, ये ओम, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परपथ का तुल्य प्रतिरोध आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 प्लस 800 और क्या
प्लस क्या 10, यहाँ भी तो रेजिस्टेंस जुड़ा है, कितना हो जाएगा ये 1210 ओम रेजिस्टेंस हो गया टोटल। तो अब निकालना है आपको इसमें करंट कितना होगा, एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। अतः एमीटर का पाठ्यांक I इक्वल टू हो जाएगा V अपान R, I इक्वल टू V कितना है 6 और R आपका निकला है 1210, तो I ये कुछ कैंसिल होगा नहीं, इसी फॉर्म में दो से कैंसिल हो जाएगा ना, दो तीन छह हो जाएगा, उस हाथ 12 तो बन से 10, ठीक है। इतने एम्पियर पहला जो है 3 अपान इसको डिवाइड कर दिया गया ना, मिली एम्पियर में निकाला गया है, ठीक। देखो ये एम्पियर में है, इसको अगर आप मिली एम्पियर करोगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3000/605 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा मिली एम्पियर हो जाएगा अगर हम यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे एम्पियर को, तो मिली एम्पियर में हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे I इक्वल टू, तो हमारा मान यही आ जाएगा आपका 4.96 मिली एम्पियर, ठीक है। ये पहला मान आपका हो गया जब आपको आई निकालना था। अब इसमें अगला पार्ट बोला गया है कि इसी प्रकार यदि 400 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए, यहां पर 400 ओम का जो प्रतिरोध है यहां पर विभवांतर नापने के लिए एक वोल्टमीटर लगा दिया गया ये, और इसका वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है आरवी इक्वल टू है 10000 ओम। अब यहां पर यह एमीटर हट गया, एमीटर का रेजिस्टेंस जो था वो क्या हो गया, ऐसे समाप्त हो गया, एमीटर हटा दिया गया और यहाँ पर एक वोल्टमीटर जोड़ दिया गया जिसका रेजिस्टेंस है 10000 ओम। तो अब ये वोल्टमीटर कितना पाठ्यांक बताएगा, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालने का मतलब आप यहाँ का करंट निकाल लीजिए आई, और आई बराबर वी आर कर देंगे। अब यहाँ का करंट निकालने के लिए आपको कहीं भी देखो विभव नहीं दिया है, तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए ये और ये किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, 400 ओम व 10000 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो 1/R' होगा 1/400 प्लस 1/10000 ही है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 40000 हो जाएगा ना, इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो 100 बचेगा शायद, और इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, तो आर डैश बराबर हो जाएगा 40000/104 ओम, ठीक है। ये यहां का निकल आया। अब इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन जुड़ा है, 800 ओम जुड़ा हुआ है, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना, आर डबल डैश बराबर क्या होगा, आर डैश प्लस 800, आर डबल डैश बराबर आर डैश आपका आया है 40000/104 और प्लस यहां पर हो जाएगा 800। कितना हाई फाई कैलकुलेशन हो रही है, सब एग्जाम में आने, इसको दो जीरो हो जाएंगे, यहां पर 8 से गुणा करेंगे 8 से 32 हो जाएगा और 8×8 हो जाएगा अपान ये हो जाएगा आर डबल डैश बराबर ये कितना हो गया, इकाई का सैकड़ा 10000, ये आपका यहाँ पर हो गया है 83000 और 40000 और है, कितना हो जाएगा 83000 और 40000 123000 हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा 200 और हो जाएगा, ये 83000 ये हो गया 200 और 40000 ये 83 और 200 ये हो गया 123000 और 200 ये हो गया अपान 104। इतने ओम टोटल रेजिस्टेंस आया है। अब आपको निकालना है आई कितना होगा, आई इक्वल टू यहां से निर्गत आई होगा वी अपान आर, वी दिया हुआ है 6 वोल्ट और आर आपका ये आया है 12 3 2 0 0 और ये जाकर के 104 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अब इसको आई को हम डेसिमल में यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे जितना भी आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ये फिगर आपके सामने है, इसमें आपको सब कुछ दे रखा है। ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम है,
और आपको 2 एम्पीयर का करंट भी दे रखा है। बैटरी का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यहाँ का ईएमएफ कितना होगा। देखिए अगर हम यहाँ से विभव पतन निकाल लें और टोटल वोल्टेज निकाल लें कितना होगा, टोटल वोल्टेज कितना है यहाँ पर, टर्मिनल वोल्टेज इसको कहते हैं वी, अगर वी निकाला है ठीक है, यहाँ का हमको आई पता हो जाए और आर तो पता है, तो हम फार्मूला लगा देंगे, ये वी बराबर होता है ई माइनस आई आर। तो हमको देखो E निकालने के लिए I चाहिए, तो I तो ये पता है कितना 2 एम्पियर, अगर यहाँ से 2 एम्पियर निकल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरे परिपथ का करंट कितना है 2 एम्पियर है। और R भी पता है हमको, केवल ज्ञात करने को रह गया है V, ठीक है। तो V कैसे ज्ञात करेंगे, हमको टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, टोटल एम्पियर तो हमको पता ही है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, कुल प्रतिरोध, देखिए यहां पर ये किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो 6 ओम 30 ओम 6 ओम 30 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध जो आपका निकलेगा R' = 1/R' तो जाएगा 1/6 + 1/30, कितना आएगा एलसीएम 30 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो R' बराबर 7 निकल आएगा, 6 और 5 ओम ये निकल आया, ठीक है। 5 ओम ये हो गया कि इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन जुड़ा हुआ है, 5 ओम जुड़ा हुआ है, और इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में ये भी 0.5 ही जुड़ा हुआ है, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R" बराबर हो जाएगा 5 + 5 + 0.5, तो टोटल आपका जो निकल रहा है R" ये हो जाएगा 10.5 इतने ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है ठीक, और टोटल आपको जो है ये I भी यहां पर दिया हुआ है, तो अब हम निकाल सकते हैं कि टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, अतः टर्मिनल विभवांतर इसको कह सकते हो, या बाह्य निकाल लीजिए, बस बाह्य परिपथ में विभव, लेकिन जब बाह्य वाला आप निकालने जा रहे हैं तो हमको बाह्य प्रतिरोध ही लेना पड़ेगा, V बराबर आई आर, अगर हम बाह्य निकालने जा रहे हैं तो हमको केवल इतना प्रतिरोध लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो इंटरनल है, तो V बराबर आ जाएगा आई हो गया 2 एम्पियर, ठीक। चलिए बाह्य निकाल लीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर इतना निकाल लीजिए 10 ओम बस, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, V बराबर हो गया 20 वोल्ट, ठीक है। अब ये फार्मूला लगा देंगे, यहां से अगर E हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, E = V + IR, E = V निकल आया है, ये I कितना, जो यहां से आ रहा था यही यहां से जाएगा 2 एम्पियर, तो ये हो गया 2, और R वहां पर कितना है 0.5 है, E = 20 + ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा 21 वोल्ट, या पर 21 वोल्ट हो गया इसका जो है टर्म, वो जो है EMF। इसमें और याद करना था, यहाँ का विभवांतर इसमें कुछ रह गया करने को, कुछ नहीं करने को, देखिए क्या करना है, 5 ओम के सिरों पर विभवांतर V बराबर आई आर फार्मूला होता है, तो यहाँ का I यहाँ कितने एम्पियर जा रहा है, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 5, 10 वोल्ट हो जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं था क्वेश्चन, ये कठिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, एक तार जिसका प्रतिरोध 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध 0.1 ओम है, एक वर्ग ABCD के आकार में मोड़ा गया है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसा ही एक तार बिंदुओं B और D के बीच मोड़ दिया जाता है, वर्ग के दूसरे कोनों A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यदि A और C के बीच 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तब परिपथ में कितनी शक्ति क्षय होगी, यदि B व D के बीच एमीटर जोड़ दें तो उसका पाठ्यांक क्या होगा। देखिए एक वर्ग बना हुआ है, ये वर्गाकार तार है, ये A, B, C और D, इसकी प्रत्येक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, AB बराबर BC बराबर CD
बराबर ए डी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध, 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध दिया है 0.1 ओम, तो फिर प्रत्येक भुजा पर रेजिस्टेंस कितना कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है। अतः 10 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 × 0.1 = 1 ओम। समझ पाए क्या कुछ बात? तो यहाँ पर 1 ओम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सब 1 ओम के रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। समझ पाए बात? 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध होता है 0.1 ओम, तो ये 10 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं थी, तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का 1 ओम हो जाएगा। लिखा ऐसा ही तार एक बीडी के सिरों पर जुड़ा है यहाँ पर, तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, हालांकि कोई जरूरत नहीं है। देखिए 10 सेंटीमीटर ये था, 10 सेंटीमीटर ये था, ये वर्ग है, ये 90 डिग्री का कोण होगा, ये कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण हो जाएगा, इसकी लंबाई आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर। ये कोई मैथ नहीं लगा रहे जो इसको भी सॉल्व करें, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10√2। ठीक है, इसकी लंबाई हो जाएगी 10√2, तो डायरेक्ट हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं, बीडी तार की लंबाई बराबर हो जाएगी 10√2। अतः बीडी तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध इतने सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0.1 ओम, तो इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा √2 ओम। क्या बात समझ पाए? हालांकि इसकी हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेट है, आपको पता है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा √2 ओम। ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ पर 1 ओम है, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंब हो गया, आधार हो गया, डायरेक्ट यहाँ का रेजिस्टेंस निकाला था। ठीक, यहाँ पर एक एमीटर भी शायद जोड़ रखा है इसी सिरों पर यहाँ पर, और यहाँ से एक सेल जोड़ दिया है जिसका वोल्टेज बताया है 1.5 वोल्ट, 1.5 नहीं 1, 1 नहीं 2। अब इतनी देर पहले क्वेश्चन पढ़े थे, सब अभी याद है, आप सोचिए यही थोड़ी बड़ी बात है। हाँ, क्वेश्चन था आपका एसी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब आपके क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, बी और डी के बीच जोड़ दिया जाता है एक ऐसा ही तार, वर्ग के दूसरे कोनों ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो पहले तो देखना होगा व्हीटस्टोन सेट क्या है, संतुलित है। यदि ए व सी के बीच 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तब परिपथ में कितनी शक्ति क्षय होगी, पी निकालना है। यदि बी व डी के बीच एमीटर जोड़ दें, बी और डी के बीच एमीटर जोड़ दें, तो उसका पाठ्यांक क्या हो। केवल आपको क्वेश्चन समझना था, आंसर में कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल हो गया समझ लो, जितनी देर क्वेश्चन लिखा है इससे कम समय में आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/1 = 1/1। अतः यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेट की संरचना है, संरचना है या कहो व्यवस्था है, अवस्था, सही बोल रहे हो, अवस्था है। ठीक है, संतुलित व्हीटस्टोन सेट की अवस्था है, तो बीडी में करंट नहीं जाएगा, एमीटर कितना बताएगा, 0। तो सबसे लास्ट आंसर जो था कि एमीटर कितना पाठ्यांक बताएगा, वो पहले ही निकाल दिया मैंने। अतः एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक ये सबसे लास्ट में पूछा था, बराबर क्या हो गया, 0। तो आपका कौन सा आंसर निकला, तीसरा आंसर, लास्ट वाला। अब टोटल रेजिस्टेंस ए और सी के बीच पूछा है, यहीं से शुरू कर दे रहे हैं, ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, संतुलित व्हीटस्टोन सेट के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला बताया था, इसको इसको जोड़ लो 1+1 और मल्टीप्लाई कर दो इनको इनको, और नीचे सबको जोड़ लो 1+1+1+। हाँ मान लो, ऊपर कितना आएगा, 4, नीचे भी 4 आएगा, 1। तो ये हो गया 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया टोटल। ठीक है, आपको दो आंसर निकला है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का, और आपने यहाँ का पाठ्यांक निकाल लिया। अब निकालना शक्ति क्षय कितनी होगी, तो आप I निकाल लीजिए, P बराबर IB लगा दीजिए, 2 वोल्ट का सेल यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, तो अब आप I निकाल लीजिए, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, 2 एम्पियर धारा बहेगी ना, ये सब समझ पा रहे हैं।
आई बराबर वी अपान आर, वी है दो वोल्टेज, आर कितना निकला है एक, इतने एम्पीयर का करंट बहेगा, अतः शक्ति छ, अतः शक्ति छ जो होगा पी बराबर होता है आई वी, आई है दो एम्पीयर और वी कितना है दो, बराबर चार वाट प्रति सेकेंड, चार वाट प्रति सेकेंड, यहाँ पर प्रति सेकेंड ही हमने निकाला, चार वाट प्रति सेकेंड लॉस होगी। यह आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें लिखा हुआ है दो तीन चार पांच ओम के चार तार हैं और एक बंद परिपथ बनाते हैं। तो देखिए ये एक बंद परिपथ हमने बना दिया, ये यहां पर दो ओम रेजिस्टेंस है, तीन ओम का हो गया, चार ओम का हो गया, यहां पर पांच ओम का हो गया, एक बंद पर्वत बनाते हैं, बंद पर्वत बन गया ये, ठीक। इसके बाद दिया हुआ है कि यदि पांच ओम तार के सिरों के बीच 3.6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाए तो इस तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा तथा 3 ओम के तार के सिरों के बीच विभवांतर। अब इसके सिरों पर एक बैटरी जोड़ दी गई, 5 ओम के सिरों पर एक बैटरी जोड़ दी गई, ये इसका वोल्टेज कितना है 3.6 वोल्ट है। तो कहा गया है क्या पूरे पर्वत में प्रवाहित धारा, क्वेश्चन क्या था, हाँ, तो इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा, इस तार में धारा कितनी प्रवाहित होगी आपको ये निकालना है, और 3 ओम के तार के सिरों पर विभवांतर, आपको यहाँ पर विभवांतर भी निकालना है कितना होगा, ठीक। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, अपने आप करिए टोटल रेजिस्टेंस, देखो ये सीरीज को अपने समय होगा 4, 3, 7 और 9 और 5 किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा तो आई निकालने के लिए फार्मूला लगा दोगे, वी बराबर आई आर, आपको यहाँ से आई निकल आएगा। जब आई निकल आएगा यहाँ से, मान लीजिए आई कुछ भी आ रहा होगा, पहला आंसर आपका जो भी है वो आई का आई आ गया आपका 0.72, ये तो सब लोग निकाल लेंगे ना, ये इतना आ जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस, निकालने के बाद तुरंत आई आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसमें का करंट चाहिए तो इधर मान लीजिए आई बन जाएगा और इधर कितना चले जाएगा 0.72 माइनस आई बन, इसमें किरचॉफ लॉ लगा करके आप इधर का करंट आई वन निकाल लेना, फिर यहाँ का आपको विभव निकालना है तो यहाँ लगा देना वी बराबर आई वन और आर का मान क्या 3, समझ गए। जहां का विभव निकालना होता है वहां का करंट और वहां का रेजिस्टेंस, तो आपको यहाँ का विभवांतर निकालना था, यहाँ का विभवांतर वी बराबर आई वन जो इधर आ रही होगी और आर का मान यहाँ पर कितना है 3, आई वन आपका कैसे निकलेगा, यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाओगे, अपने आप करना है, नोट करना, जो हिंट वो नोट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा 47 है, 47 देखिए आपको यहाँ पर निकालना है, सबसे पहले यहाँ का करंट निकालना है, अर्थात टोटल करंट निकालना पड़ेगा, टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, ये किस कॉम्बिनेशन में है, तो समांतर क्रम में है, इसकी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, कितना हो जाएगा 2, 12 और 6 का जरा निकाल लीजिए समांतर क्रम में, देखो कितना आएगा 1.6 × 12 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ का हो गया 4, समझ गए, ये तो अपने आप कर ही लोगे। तो अब ये 2, 4, 6, 1, 7, 7 और 1, 8 ये सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R बराबर आ गया 8 ओम, पहला आंसर आ गया 8 ओम टोटल रेजिस्टेंस, समझ पाए कुछ, आप सब लिख कर करोगे कि ये समांतर क्रम में है, इनका निकालोगे 2, ये समांतर क्रम में इनका 4, फिर कहोगे ये सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये हो जाएगा पूरा 8। अब टोटल करंट निकाल लीजिए आई, आई बराबर वी अपान आर, आर कितना है 8, 2 एम्पियर टोटल करंट निकला, यही करंट यहां से निकलेगा और इसमें जाएगा आर 3 में, आर 3 का करंट निकल आया ना, ये आर 3 का करंट होगा, यहाँ तक कितना आया 2 एम्पियर, ठीक। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर भी देखिए 4, 4 बराबर बराबर ओम के रेजिस्टेंस है, ये चौक लॉ लगाइए ही नहीं, डायरेक्ट बता दीजिए इसमें 1 एम्पियर जाएगा। जब बराबर रेजिस्टेंस होते हैं तो करंट बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 2 एम्पियर आ रहा था, 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1 एम्पियर इधर जाएगा, यहाँ आकर फिर दोनों जुड़ जाएंगे, इसमें फिर से कितना जाएगा 2 एम्पियर जाएगा। फिर यहाँ जब पहुंचेगा तो यहाँ किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ पर कुछ अलग है 12 है, यहाँ पर 6, समझ पाए कुछ बात। तो आपका पहला आंसर ये हो गया आर 3 में 2 एम्पियर हो गया, और यहाँ पर आर 4 में कितना हो जाएगा, आर 4 कहाँ चाहिए है, तो आर 4 में लगाने के लिए आप किरचॉफ लॉ लगाइए, यहाँ पर आप मान लीजिए आई 1 और इधर को मान लीजिए 2 माइनस आई 1, किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, आई 1 निकाल लीजिए, वो उसका करंट हो जाएगा, कर लेंगे अपने आप, इसको कर सकेंगे अपने आप जरूर।